बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग की दुनिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तरबूज के छिलकों से टूटी फूटी किस तरह बनाई जाती है। ये देखिए, हमारे पास ये एक दरमियाना तरबूज था, 2 किलो के करीब। हमने इसके छिलके काट के, मैं आपको बताती हूँ किस तरह इसका छिलका साफ होगा, किस तरह काटना है। पहले हम इसको, ये देखिए, अंदर अंदर ये सब साफ कर लेंगे। ये हमारे पास ये आ गया, इसको हमने छोटी छोटी इसके पीस कर लिए। आप इससे ज़्यादा छोटे भी कर सकते हैं, इस तरह कर लें। इस तरह से हमने ये सारे पीस कर लेने छिलकों को। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। व्यूअर्स, ये देखें, हमने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। अब हम इनको बॉईल करेंगे। यहाँ मैंने ये 1 लीटर के करीब पानी ले लिए। जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसमें ये छोटे छोटे क्यूब डालेंगे तरबूज के छिलकों के। हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि पानी बॉईल होने लगे। जब जैसे ही बॉईल होगा फिर हम ये पीस उसमें डाल देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पानी में बॉईल आना शुरू हो गया। मैं ये पीस इसमें डाल दूँगी। हमने इसको फुल आंच पे इसको बॉईल करना है, 10 से 12 मिनट तकरीबन हमने इसको बॉईल करना है। व्यूअर्स, जब हमारी तरबूज के पीस बॉईल हो जाएंगे तो मैंने इस कप से नाप के तकरीबन 2 कप चीनी ली। मैं आपको बताऊंगी किस तरह हमने इसमें डालना है। देखिए व्यूअर्स, 10 से 12 मिनट होने वाले हैं, ये आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लगने लगेगी। ये देखिए, देखिए व्यूअर्स, ये हमने दलिया में छान लिए। इसका तकरीबन पानी थोड़ा सा खुश्क होगा, फिर हम इसको शीरे में पकाएंगे। व्यूअर्स, हमने 2 कप चीनी ली और ये एक तकरीबन मैं 1/4 कप पानी डालूंगी, 1/4 कप पानी डालूंगी इसमें। और साथ ही हम इसमें ये 2 कप चीनी, मैंने जिस कप से पानी लिया उसी कप से ही मैंने चीनी डाली है। चीनी को आप चलाएं चीजे के मेल्ट होने लगे। ये जब चीनी मेल्ट होगी तो उसके बाद हम ये तरबूज के जो पीसीस हमने बॉईल करके रखे हैं ये हम डाल देंगे। व्यूअर्स, ये देखिए चीनी घुल गई है, इसमें बॉईल होने शुरू हो गई है। अब मैं इसमें पीस डाल दूंगी, ठीक है, और हम इनको 10 से 12 मिनट पकाएंगे शीरे में। अगर आपको ज़्यादा मीठी या शर्फी रखनी है टूटी फ्रूटी तो आप इसमें मैंने 2 कप डाले हैं, आप 3 कप भी डाल सकती हैं, जो आप अपने हिसाब से करना चाहें इसमें। हम इसको 10 से 12 मिनट ढक के पकाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या करें। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी टूटी फ्रूटी को तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, ये शीरे में तकरीबन पक गई हैं। अब मैं इसका यहाँ पे चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको हमने ठंडा करना है। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं इसको अलग अलग 3 बर्तनों में डिवाइड करके फिर मैं इसमें कलर डालूँगी। देखिए व्यूअर्स, ये अचरफियाँ ठंडी हो गई, अब मैं इनको कप में निकाल ली हूँ। हम इनको 3 जगह डिवाइड कर लेंगे क्योंकि मेरे पास 3
टाइम के तीन तरह के कलर है मेरे पास। इसको इस तरह करेंगे कि बराबर से कपों में आ जाए। हमें इसके शीरा भी साथ साथ डालना है। बस हमने टूटी फ्रूटी को शीरे के अंदर तकरीबन हमने ओवरनाइट यानी 24 घंटे तक हमने इसको रखा। अब हम इसको छान लेंगे एक एक उसको करके। ठीक है, हमने निकाल लिया। अब हम इसको टिश्यू पेपर पर रख देंगे ताकि इसका शीरा थोड़ा सा अपने अंदर जस्ट कर ले टिश्यू पेपर। इसी तरह हम ग्रीन का भी डाल लेंगे इसमें। ये देखिए, इसी तरह हम रेड वाली शर्फी को भी छान के टिश्यू पेपर पे रखें 10 मिनट। इसका पानी थोड़ा टिश्यू पेपर जस्ट कर ले, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तीनों तरह की शर्फियों को टिश्यू पेपर पे 10 मिनट रख के उसके बाद मैंने इसको छलनी में रख दिया। मैं इसको, आप चाहें तो इसको पंखे के नीचे सुखा लें या धूप में सुखा लें। और अगर आपको इसको शीरे में डालना है या किसी मीठे में डालना है तो आप इसको थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी बचा लें इसमें से आधी और शीरे में रखें। मुझे क्योंकि ये इसमें केक वगैरह में डालना है और ये आइसक्रीम में डालूँगी तो मैंने इनको मैंने ड्राई करना है। ठीक है, अब मैं इनको खुश करने रखती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी टूटी फ्रूटी कितनी कलरफुल हैं, तैयार हो गई हैं। आप इनको किसी एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रखें। तकरीबन ये 15 से 20 दिन आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, किसी भी आप केक में डालें, आइसक्रीम में डालें। ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह चलती हूँ एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ कॉमेंट देना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।